24 घंटे फुल सिक्योरिटी देती है दोस्तों। क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे इसके लिए तार फेंसिंग करना है, कैसे इसका इंस्टॉलेशन करना है, इसके बारे में डिटेल में जानने। लेकिन झटका बहुत जबरदस्त देती है। क्यों? क्योंकि मैं जब इंस्टॉल कर रहा था दोस्तों, तो मैंने एक झटका खाया है और बहुत जबरदस्त झटका देती है। ये देखिए, जैसे ही टच होगा यहाँ पर आवाज भी आएगी और यहाँ पर स्पार्कलिंग भी होती है। देखिए, साथ में अगर आप अलार्म को इसकी ऑन कर देंगे तो अलार्म भी सुनाई देगी आपको। नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग तकनीक पर मैं आशीष मोरछले आपका फिर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, किसान चाहे कोई भी हो, मैक्सिमम किसानों को फसल उगने के बाद से ही जंगली जानवर नुकसान करना चालू कर देते हैं। जैसे फसल उगी भी नहीं कि हिरण नुकसान करना चालू कर देती हैं, आवारा गाय हैं, नील गाय हैं, उसके बाद में फसल बड़ी होती है, सुअर है, बंदर है, बहुत ज़्यादा फसल को नुकसान करते हैं शुरू से आखिरी तक दोस्तों। और ज़्यादातर किसान जो है वो इसके लिए समस्या से परेशान है और क्या करते हैं, तार फेंसिंग करवा लेते हैं। लेकिन ये समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि तार फेंसिंग से भी जो है कई जानवर उसको तोड़ देते हैं, कहीं उसके नीचे से निकल कर आ जाते हैं, कहीं जो है उसके ऊपर से आ जाते हैं। तो ये जो समस्या है, इस समस्या का हल उस तार फेंसिंग करने के बाद भी नहीं होता है दोस्तों। आज के इस वीडियो में इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि सोलर झटका मशीन है दोस्तों, या फिर इसे सोलर फेंस गार्ड भी बोलते हैं। ये मशीन 24 आवर्स काम करती है, सौर ऊर्जा से चलने के कारण दोस्तों ये दिन में तो काम करती है, साथ में हमने बैटरी यूज़ कर रखी है इसलिए ये ओवरनाइट भी काम करती है। मतलब 24 घंटे फुल सिक्योरिटी देती है दोस्तों, और भी कई फंक्शंस करती है। क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे इसके लिए तार फेंसिंग करना है, कैसे इसके लिए पूरा वायरिंग कनेक्शंस करने हैं, कैसे इसका इंस्टॉलेशन करना है, इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। साथ में क्या इसकी लिमिटेशंस हैं और क्या इसके साथ में रिस्क हैं, ये भी सब जानने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के शानदार वीडियोज़ आपको केवल फार्मिंग तकनीक पर ही मिल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फटाफट की। सबसे पहले इस मशीन के लिए तार फेंसिंग कैसे करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये एक डेमो तैयार कर रखा है। ये आप इसे मान लीजिए कि आपके खेत की बाउंड्रीज हैं, आपको बांस की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको खेत की बाउंड्रीज पर गाड़ देने हैं। जो कॉर्नर वाले बांस हैं उनमें आपको ये इंसुलेटर का इस्तेमाल करना है, जो कॉर्नर के लिए अलग से आता है, उसमें से ये तार आसानी से, ये देखिए इसको यहाँ बांध दिया और तार इसमें से पास हो गया, ताकि तार को किसी भी प्रकार से अर्थिंग नहीं मिल सके। गर्मी में तो ठीक है दोस्तों, बारिश में क्या होता है कि नमी हर जगह होती है, तो ये कहीं से भी इसको अर्थिंग मिल गया तो दिक्कत हो सकती है, बैटरी ड्रेन हो सकती है। उसके बाद में दोस्तों आप बीच में देखेंगे तो ये इस प्रकार के इंसुलेटर्स हम यूज़ करते हैं, ये देखिए इसमें से तार आसानी से पास हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये वायर जो हमने इस्तेमाल किया है वो आधा mm का है, या फिर बात करें 14 गेज का, 16 गेज का, या फिर उससे मोटा कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये आपको इस प्रकार से प्रॉपरली लगा देना है। इसके बाद में मशीन के साथ क्या क्या आता है, मशीन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसके कनेक्शंस कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सोलर फेंस गार्ड मशीन है, उसके बाद में इसके साथ में ये सोलर प्लेट आती है। कुछ कंपनीज जो है वो उसके साथ में ये बैटरी भी देती है, कुछ नहीं देती है। तो ये 12 एम्पियर और 12 वोल्ट की बैटरी आप कहीं से भी ले सकते हैं। उसके बाद में ये LED बल्ब भी आता है दोस्तों इसके साथ में, जो कभी भी आप इसको जला सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में आप बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए सोलर लिखा हुआ, यहाँ पर हम यहाँ से जो वायरिंग हमने लाए हैं, ये वाली पिन जो है यहाँ पर हम लगा देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए बैटरी जहाँ लिखा हुआ है, ये बैटरी से कनेक्शन हम इसमें यहाँ पर कर देते हैं, पावर इनपुट यहाँ पे दे देते हैं। जैसे ही हम देखिए दोस्तों सोलर कनेक्ट करते हैं, वो यहाँ पर ये देखिए चार्जिंग ऑन का साइन दिखा देता है, मतलब बैटरी जो है वो दिन में चार्ज होती रहती है, रात में बैटरी से चलता है ये। आप इसमें बैटरी
सोलर प्लेट अगर नहीं हो तो इसमें ये देखिए एसी 230 वोल्ट एसी ये लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए ये पूरा वायरिंग जो है वो कंपनी ही देती है हमको। उसके बाद में दोस्तों ये पावर ऑन ऑफ का है, ऑन करेंगे मशीन चालू हो जाती है, बंद हो जाती है। इससे एलईडी की ये जो पिन है ये यहाँ पर, ये एलईडी बल्ब जहाँ पर लिखा हुआ है ये यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और ये ऑन करता हूँ तो वहाँ देखिए ये एलईडी बल्ब ऑन हो जाता है, ऑन ऑफ का यहाँ से होता है। उसके बाद में ये 12 आवर्स और 24 आवर्स, मतलब ये अगर आप चाहते हैं कि केवल रात में ही काम करे तो आप ये 12 आवर पे सेट कर दीजिए, 24 आवर्स पे सेट करेंगे तो ये 24 घंटे काम करती है। और ये ऑटोमेटिकली होता है दोस्तों, क्योंकि ये सोलर प्लेट से सेंस करती है कि जैसे ही धूप निकलती है सोलर प्लेट से चार्जिंग चालू होती है तो ये मशीन उस टाइम बंद हो जाती है अगर आपने 12 आवर्स पे इसको सेट कर रखा है। तो शाम होते ही दोस्तों जब ये इससे कोई भी चार्ज आना बंद होता है, करंट आना बंद होता है सोलर प्लेट से, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। और इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए दोस्तों ये अलार्म दिया हुआ है, अलार्म जब भी कोई टच करता है या फिर कोई भी जानवर इसमें घुसने की कोशिश करता है, अलार्म अगर ऑन रखेंगे तो यहाँ पर ये अलार्म भी देता है। इससे हमको पता चलता है कि खेत की बाउंड्रीज पर कहीं ना कहीं कोई भी हलचल हो रही है। दोस्तों इसके बाद ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये रेड वाला जो पॉइंट है वो मेन फेस का पॉइंट है, वो हम इस वायर में दे देंगे। और ये वायर जो है ये देखिए आगे आप देख रहे हैं, ये वायर के थ्रू जो है ये कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए दोस्तों ये दूसरा कनेक्शन जो कि हम यहाँ पर अर्थ कर देते हैं, प्रॉपर अर्थ जो है यहाँ पर हमने कर रखा है। ये मशीन काम कैसे करती है, इस मशीन से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्राणी को, आदमी हो या जानवर हो, उसको जान का खतरा नहीं होता है, उसकी जान नहीं जाएगी इससे करंट लगने में, क्योंकि ये झटका मशीन है, झटके देती है दोस्तों, ये लगातार करंट नहीं देती है, क्योंकि झटका जैसे ही जानवर या आदमी को लगेगा वो भाग लेगा, तो इसलिए उसको जान का खतरा नहीं है। लेकिन झटका बहुत ज़बरदस्त देती है, क्यों, क्योंकि मैं जब इंस्टॉल कर रहा था दोस्तों तो मैंने एक झटका खाया है और बहुत ज़बरदस्त झटका देती है। लगाते टाइम दोस्तों हाथ से टच करके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करें। मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको आवाज़ भी सुनाई देगी कुछ कट कट की, वो इसका करंट सप्लाई करती है उसकी आवाज़ होती है, ये आप सुनेंगे, ये देखिए ये जो आवाज़ है ये बता रही है कि करंट जो है वो पल्स में जाना चालू हो गया है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे ये देखिए ये बल्ब जो है ये भी ऑन ऑफ होता है। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है ये देखिए जैसे ही टच होगा यहाँ पर आवाज़ भी आएगी और यहाँ पर स्पार्कलिंग भी होती है, देखिए। साथ में अगर आप अलार्म को इसकी ऑन कर देंगे तो जब भी कोई यहाँ पर घुसने की कोशिश करेगा अलार्म भी सुनाई देगी आपको, ये देखिए। आप इस मशीन को लगाने के बाद में पूरी तरह से सिक्योर होकर आराम से सो सकते हैं, आपकी फसल शुरू से आखिरी तक पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। इसके लिमिटेशंस दोस्तों ये हैं कि जैसे अभी मैंने ये कनेक्शन कर रखा है कि यहाँ पर अर्थ दे रखा है, ये फेस दे रखा है और मैंने ये सारे वायर्स को कनेक्ट कर रखे हैं, लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ये काम करता है बारिश के समय जब अर्थिंग प्रॉपर मिल पाता है, लेकिन जब गर्मियों का टाइम होता है उस समय क्या करते हैं, उस समय ये काम थोड़ा सा कम करती है। इसलिए इसको उसका भी उपाय है हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं, ये अर्थ जो है इसमें से एक वायर लेकर, जैसे हमने अगर ये तीन वायर लगा रखें तो एक वायर में लेकर इस वायर बीच वाले वायर में कनेक्ट कर देता हूँ और इन दो वायर्स को जोड़ देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये देखिए ये पहला और तीसरा वाला वायर मैंने जोड़ दिया और अर्थ से एक और वायर लेके मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। अगर चार वायर है आपके पास, आपने चार वायर लगा रखे हैं तो आपको पहला और तीसरा वायर फेस दे देना है और दूसरा और चौथा वाला वायर जो है वो अर्थ दे देना है, इस प्रकार से आपको देना है, ये समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब ये 24 घंटे पूरे साल
बिना रुके लगातार काम करती है दोस्तों, और चोर हो या फिर जानवर हो आपकी फसल को कोई टच भी नहीं कर सकता। एलईडी की रिक्वायरमेंट हो तो इसमें आप आराम से लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सोलर झटका मशीन कितनी ज़बरदस्त तरीके से काम करती है और कितना ज़बरदस्त झटका देती है। इस मशीन के लिए दोस्तों एक लाइक और एक शेयर तो यहीं बन रहा है दोस्तों। इसके बाद में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब तो आप जान गए होंगे दोस्तों इस तरीके के शानदार वीडियोस आपको फार्मिंग तकनीक पर ही मिल सकते हैं और मिलते रहेंगे दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये मशीन कितने एकड़ तक की बाउंड्रीज को सिक्योर कर सकती है। तो दोस्तों ये 50 एकड़ तक की फील्ड की बाउंड्री को सिक्योर कर सकती है। इसके बाद अगर आपको उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा फील्ड के लिए चाहिए तो फिर से बड़ी मशीन भी आती है। दोस्तों अब बात करते हैं इस मशीन का खर्च कितना आता है और प्रति एकड़ खर्च कितना आता है स्पेसिफिकली देखें तो। मशीन की बात करें 3000 रुपये की मशीन आती है। बैटरी मैंने अलग से ली है 1700 रुपये की, 4700 रुपये ये हो जाते हैं। यहाँ पर सोलर पैनल 1500 रुपये का है, मतलब 6200 रुपये हो जाते हैं। और उसके बाद में इंसुलेटर्स की बात करें जो मशीन के साथ में आते हैं, इंसुलेटर्स 4 रुपये प्रति नग आते हैं। और ये एलईडी बल्ब जो है वो इस मशीन के साथ में ही आता है। तो दोस्तों ये तो मशीन की कॉस्ट हो गई, जो कि लगभग 6.5 से 7 हज़ार के बीच में मशीन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में एक एकड़ में लगाने के लिए मैंने ये 14 गेज का वायर यूज़ कर रखा है। तो 14 गेज से लेकर आप ऊपर कोई भी ले सकते हैं, 16, 18 गेज या फिर क्लच वायर भी ले सकते हैं। एक एकड़ में लगाने के लिए 14 गेज का वायर मुझे 5 किलो लगा है, प्रति किलो 90 रुपये से मैंने लाया हूँ। तो दोस्तों लगभग 500 रुपये का खर्चा जो है प्रति एकड़ इसका आता है। आप बढ़ाते जाएंगे तो ये बांस जो है वो भी अगर आपको लाने पड़े मार्केट से, आपके पास नहीं है, तो ये भी 8 रुपये नग से मिलते हैं। तो इस प्रकार का ये जो खर्चा अगर देखें तो मैक्सिमम अगर मान लें तो 1500 रुपये 2000 रुपये तक का खर्चा होता है प्रति एकड़ बांस। आपको जो है वो 20-20 फीट पर आप आराम से दूर दूर लगा सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये इतना बारीक वायर भी बहुत अच्छे से काम करता है। मेरे पास 3 मशीनें हैं, पिछले साल भी मैंने दोस्तों तरबूज में इसका इस्तेमाल किया था, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था, क्योंकि लोमड़ी है सियार है हमारे यहाँ बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, तरबूज खींच के बाहर ले जाते हैं। तो उन सब से कोई क्षति दोस्तों इस बार हमको नहीं हुई, क्योंकि हमने ये मशीन लगा रखी थी। और साथ में दोस्तों आपको कोई भी रखवाले की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ये मशीन लगा देनी और घर पे आके आराम से सोना है रात में। तो इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी दोस्तों अपने खेत को इस मशीन को लगाकर सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों करते रहिए मेहनत और देखते रहिए फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।